हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज का वीडियो थोड़ा सा मतलब स्पेशल होने वाला है, मेरे लिए नहीं, ये जुगनू के लिए स्पेशल होने वाला है। वो खेत में चला गया है और अब मैं उसके लिए कुछ स्पेशल लेके जा रहा हूँ और उसका आज रिएक्शन जानेंगे। तो ये स्पेशल चीज़ क्या है ये मैं चलो पहले आपको दिखा देता हूँ कि थोड़ा बैकग्राउंड में लेके चलता हूँ। तो ये भैया, शुरू वाले म्यूज़िक के बाद अपन मिलते हैं और दिखाता हूँ पहले क्या चीज़ है, उसके बाद आगे कहानी। तो लो जी दोस्तों, ये रात की रोटी चूरी हुई। चूरी हुई बोले तो छोटे छोटे एकदम टुकड़े कर लिए, बिल्कुल अच्छे से आप देख सकते हो, फाइन चॉप कर लिए मैंने रोटियों को। अब रात वाली रोटियां देखो हर घर में बची जाती हैं और छोटे छोटे टुकड़े उनके करके बस प्याज डालना है और दही डालना है। मैं तो ये जो है आज मैं स्पेशल बना रहा हूँ ये जुगनू के लिए। और जुगनू सेठ ने मेरे को पता लगा कि आज तक कभी भी दही रोटी नहीं खाई और बागड़ियों का ये परफेक्ट, मैं कह सकता हूँ कि सबसे बेस्ट ब्रेकफास्ट, परफेक्ट नहीं सबसे बेस्ट कह सकता हूँ। एक होता बेस्ट, एक होता सबसे बेस्ट, और ये हमारा सबसे बेस्ट ब्रेकफास्ट है। प्याज भी छोटे छोटे काट लिए और अब दही डाल दो इसमें। दही भैया स्वादानुसार डाल सकते हैं, जिसको कम दही पसंद हो कम खा लो, जो दही बल्ले खाते टाइम दोबारा मांगते हैं उनको लगभग दही ज़्यादा पसंद होता है तो वो थोड़ा दही ज़्यादा डाल सकते हैं। अब घर में कुछ कुछ तो बचा ही होता है, जैसे कि ये मैगी वाला मैजिक मसाला बचा हुआ है, मसाला ये मैजिक है ना, ये बचा हुआ तो हल्का फुल्का ये भी इसमें डाल लेंगे, थोड़ा स्वाद को चार चांद जो है लग जाएंगे। अब डालने को भैया चाट मसाला तो वो डाल सकते हो, अचार का मसाला है नॉर्मल जो अचार होता है घरों में, उसका आप थोड़ा मसाला डाल लोगे तो भी बहुत स्वाद हो जाएगा। बाकी भैया मिक्स इसको खेत में जाके करेंगे, चलो अब चलते हैं। ये देखो इसमें कर लिया मैंने पैक, और ये भैया खेत का रास्ता। अब मैं जाता हूँ जुगनू सेठ के पास और पूछते हैं उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा इसके साथ। वो देखो वहाँ पे लगा हुआ है जुगनू सेठ और वो उधर पीछे रहेगा गांव, इधर से मैं कुछ घूम के आया था। चलो जरा सेठ जी के पास चलते हैं और बतियाते हैं। वो मैं तेरे से पूछूं, चलो ये डब्बे में क्या हो सकता है। दूध इस डब्बे में कैसे होगा, तेरे को सबसे अच्छा क्या लगता है खाने में। ये देखो रे कैसा आदमी है, इसको ये ही नहीं पता कि इसको खाने में सबसे अच्छा क्या लगता है। ले अब देखो अब नाम गिनाने लग गया, चलो देखते हैं अभी पहले ले पकड़, सीधा पकड़ना। कुछ मिठा है, अच्छा दही और रोटी है। बासी रोटी खिलाओगे आज मेरे को। हाँ चम्मच चम्मच भी सब कुछ है इसमें, बटे हुआ तो खाओ। 5 रुपए का लिफाफा खराब मत करना, बाहर निकाल ले भाई। और इसमें एक स्पेशल इंग्रेडिएंट्स भी डाला हुआ है, जो ऊपर वाला है वो पता है क्या तेरे को क्या चीज है। प्याज। ना प्याज तो कॉमन है, ये वो मसाला। हाँ अच्छा टेस्ट है, एक नंबर का। बिना खाए अब तक एक चम्मच खाई नहीं है, मजा आ गया। कब खाए थे ये पहली बार, कब? आज पहले। कितने साल का हो गया? 26। ये देखो 26 साल का लोंडा और आज तक इसने दही रोटी चूर के नहीं खाई, पहली बार खाई। तो क्या रिकमेंड करोगे भैया, अब खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए, बढ़िया चीज है या नहीं है? बढ़िया चीज है, हल्का खाना हो गया सुबह का, हल्का लट्टू का, रोटी तो उतनी है फिर भी बासी रोटी होगी। हाँ दही होगी, प्याज हो गए, हल्का हो गया। अगर मतलब कोई मेहनत करता हो बंदा उसको ऐसी रोटी मिल जाए खेत में तो डबल स्वाद लगती है। बाकी इतने साल तूने कभी खाई नहीं, तेरे को क्या लगता है कोई चीज मिस करी है क्या तूने? हाँ,
तो ये देखो भैया, रिश्तेदारी बागड़ियों में होने का ना बहुत ही बड़ा सुख है कि एडिशनल आपको ब्रेकफास्ट की चीज़ मिल जाती है। चलो जी, अब हम इसको एंजॉय कर लेते हैं, बाकी मिलते हैं बाद में। हाँ जी दोस्तों, ये देखो टिफ़िन हो गया खाली एकदम, और बाकी फाइनल मतलब कई बार तो ये होता ना, बंदा कैमरे के सामने आके थोड़ा हक्का बक्का सा हो जाता है, इसलिए कुछ अच्छा बोल देता है। अब जुगनू में पेट भर गया, अब उसको टेंशन कोई है नहीं। अब पूछते हैं भाई, दही रोटी कैसी लगी उसको? दही रोटी मस्त थी, मज़ा आ गया। पहली बार खाई है, एक नई चीज़ मिल गई खाने को। सुबह सुबह जैसे रोटियां वगैरह तो होती नहीं, तो बासी रोटियां हमारे घर में अब बिल्कुल मिलेंगी ही मिलेंगी। दही भी होती है, प्याज भी होते हैं, थोड़ी सी मेहनत करो और एक मज़ेदार आपको ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। और अपना साथ लेके आ जाओ, जब खाना हो उस हिसाब से खा लो, क्योंकि गाँव में जैसे जनरली दो ही टाइम खाना खाया जाता है, एक 10-11 बजे के आसपास और एक शाम को। पर ये कि सुबह सुबह अगर आप जल्दी खेत में आओगे तो जुगनू 5 बजे के 5:30 बजे के आसपास आके 2-3 घंटे का टाइम हो जाता है, तो भैया भूख तो लग जाती है। हाँ, तो अभी एकदम खुश हो गया। अभी ये कह रहा है कि ये जो करूण उखाड़नी है, पापड़ी जितनी भी उखाड़नी कपास वाली, ये पूरी उखाड़ के ही इसकी आएगा, पेट भर गया, अब कोई दिक्कत नहीं। 1 किला बचा हुआ है, सारा करके आऊँगा। तो देखते हैं, 500-400 रुपये का काम करके आता है घर पर, नहीं आता बाकी देगा तो कोई नहीं मेरे को, बेशक मैं कराऊँ 1000 का ही, लेकिन चलो अपना एक काम है, करना तो पड़ेगा। और बाकी के एडिशनल भैया, अगर 25-30 साल के बाद जो उन्होंने पहली बार खाई, अगर इसको अच्छा लगा तो इसका मतलब आप भी ट्राई कर सकते हैं, अच्छा आपको भी लगेगा। और अगर थोड़ा सा उसका स्वाद मतलब चेंज करना हो, जैसे अगर मान के चलो डेली एक एक चीज़ नहीं खा सकते, थोड़ा थोड़ा उसमें रूटीन दे, एक दिन चाट मसाला डाल लो, एक दिन अचार डाल लो, एक दिन चटनी डाल लो, तो फ्लेवर चेंज होते रहते हैं और मज़ा आता रहता है। फ्रूट भी डाल सकते हो आप इसमें? इसमें फ्रूट नहीं डालेंगे, दही खट्टा है, ये डाल सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये ऐसा वीडियो इसी के चैनल पे आएगा। भाई भाई का खेती बाड़ी का चैनल है अपना जुगनू छिलर के नाम से, सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया हो तो, बहुत मेहनती लड़का है। 1000 हो गए क्या सब्सक्राइब? 1000 तो नहीं हुए अभी, 1000 नहीं हुए प्लीज भाई साहब, 1000 करा दो, बहुत गरीब आदमी हूँ, बहुत गरीब हूँ।